तो गाइस आज मैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में आया हूँ जिसमें आपको अनलिमिटेड 380 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड मतलब आप जितना भी खा सकते हो। तो ये जो देख रहे हैं वो सलाड है, कोल सलाड है। तो आप कौन सा भी कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से जो आइटम है यहाँ पर ये सिर्फ सलाड आइटम है, आपको मैं वहाँ जाके भी दिखा रहा हूँ अभी। तो आपको यहाँ पर बहुत सारा वेराइटीज़ मिलेगा, जैसे कि आपको उसको क्या बोलते हैं उसको चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल मंचूरियन, बहुत वैरायटीज वाला मंचूरियन है वहाँ पे, जैसे कि बेबी कॉर्न बोलिए, बहुत कुछ है। ये जो है ये तो सिर्फ चिप्स है, स्नैक्स, और आपको बहुत सारा यहाँ पे वैरायटीज देखने मिलेगा अभी। ये जो है सब मंचूरियन वाला है, आपको कौन सा खाना है, मंचूरियन या बेबी कॉर्न खाना है या मंचूरियन फ्रेंच फ्राइज, बहुत सारा आइटम्स है यहाँ पे। सिर्फ वेज है ये वेज वाला होटल है। अभी आपको मैं चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल दिखाता हूँ। यहाँ पे चिप्स था, वो पास्ता वास्ता बहुत कुछ था, पनीर मटर पनीर शाही पनीर बहुत सारा आइटम्स था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मटर पनीर हो या और भी बहुत सारा आइटम है। ये पूरी है, यहाँ पे लिखा भी है पूरी है बोल के, तो आप पूरी देखिए, वो 3 ही पीस बचा हुआ है, शायद और भी ख़त्म हो गए, और भी आएगा वो तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मतलब जो ग्रिल करके खाते हैं तो वो भी मिलता है यहाँ पे। ये रोटी है, हमने बारबेक्यू नेशन में हम लोग जैसे खाते थे वैसे ही है, यहाँ पे भी बारबेक्यू लगाते हैं यहाँ पे भी। बहुत सारा पापड़ पापड़ बहुत सारा वैरायटीज है। हम लोग कौन कौन सा खाए कौन सा ना खाए ऐसा मतलब सोच में पड़ गए थे कि क्या खाए क्या ना खाए। तो आपको मैं सब खोल खोल के दिखा रहा हूँ अभी। ये एक आइटम है, ये भी एक आइटम है, अच्छा आइटम है। दाल, ये दाल आई थिंक ये दाल है शायद, कुछ दाल का आइटम होगा। ये जीरा चावल है, और चावल भी बहुत वैरायटीज वैरायटीज है चावल भी, मतलब ना बहुत। ये वेज बिरयानी, मैंने तो ये खाया ही नहीं है। वेज बिरयानी, और इसके बाद क्या, इसके बाद ये कौन सा है? अरे भाई ये तो हलवा जैसा दिख रहा है, शायद ये हलवा ही होगा, हलवा ही है, हाँ हलवा ही है। उसके बाद नेक्स्ट ये पता नहीं, ये दूध से कुछ बना हुआ था तो मुझे ये इतना आइडिया नहीं है। फ्रूट सलाड, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको कोई सा भी मतलब मिठाई ले सकते हैं, मतलब आप आपका पसंद का कोई सा भी मतलब मिठाई है ना आप खा सकते हैं। मतलब मैं तो खाया नहीं है मिठाई, यहाँ पे केक जैसा लग रहा था तो मैंने खाया ही भी नहीं, खाया ही नहीं मिठाई एक भी। तो जो खाने वाले हैं वो लोग खा रहे थे तो मैंने खाया नहीं, बस वही। यहाँ का व्यू देखिए कितना बड़ा है, बहुत सारा लोग आए हुए हैं। तो हम 3 लोग आए थे, हाँ। तो बाहर का व्यू है ये, तो आई थिंक बाहर का भी अच्छा ही है। बाहर भी बहुत सारा मतलब लोग यहाँ पे बाहर आके केक वेक काटते हैं, तो यहाँ पे लोग आके केक वेक काट के मतलब सेलिब्रेशन करके जाते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम है, एक टोकन देता है, टोकन टोकन हिसाब से होता है। आई लव मग मीन्स ये मुझे का रेस्टोरेंट का नाम होगा शायद।